आज इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के निर्देशन में कमेटी बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से भंवर शर्मा जी, संजय बाकलीवाल जी, शैलेश गर्ग, इम्तियाज वेलिम जी, शेलू सेन जी, रामलाल पाल को उस कमेटी में रखा और आज वार्ड क्रमांक 63 के पारसी मोहल्ले में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में कांग्रेसी शाम को पहुंचे तो बड़ा ही दयनीय दृश्य देखने को मिला। वहां पर एक्सपायरी डेट की दवाइयां, गंदा खाद सामग्री जिसमें कीड़े चल रहे हैं, पानी के लिए जो आरओ लगा था वो बंद पड़ा है और बहुत सारी अनियमितताएं स्पॉट पर पकड़ी गई। सिंधिया समर्थक जो अपने आप को बड़ा जनसेवक बताते हैं, उन्हीं के गुट की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। वहीं प्रदेश का मुखिया भी चुनाव लड़ने में व्यस्त है और यहां बच्चों को और महिलाओं को इतनी गंदी सामग्री परोसी जा रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी उच्च स्तरीय जाँच की मांग करती है। कल हम वार्ड क्रमांक 63 में मौजूद आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारी अनियमितताओं की शिकायत लगातार इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के पास जा रही थी। कल जब वहाँ पहुँचे तो बड़ा अमानवीय दृश्य देखने को मिला।